माँ आप समझ रहे हैं ना मैंने ऐसा क्यों किया। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती थी सिद्धार्थ की बेइज्जती, हर दिन का ह्यूमिलिएशन। माँ आप बताइए मैं कहाँ गलत हूँ। तुम गलत हो रोशनी, जानती हो तुम्हारी गलती क्या है कि तुमने मुझ पे भरोसा ही नहीं किया, मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, मुझसे कंसल्ट किए बिना राजवीर से पैसे भी ले लिए, मुझसे एफडी वाला झूठ भी कहा और उसे पैसे चुकाने के लिए तुमने अपनी ज्वेलरी बेच दी। हाँ तो बेच दी ना सिर, इसमें गलत क्या किया रोशनी ने? और ये सोना चांदी अगर मुश्किल वक्त में काम नहीं आएगा तो किस काम का है? ऐसी क्या मुश्किल थी रोशनी? सिर्फ तू नहीं समझेगा, तू बिल्कुल नहीं समझेगा कि एक औरत के लिए उसकी पति की इज्जत क्या होती है। और जो कुछ रोशनी ने किया है वो तेरी इज्जत बचाने के लिए किया है। वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं मॉम। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Zee5 पर। अभी Zee5 ऐप डाउनलोड करें। प्रूफ करना है तो उन लोगों के सामने करो जो उसके हकदार हो। मेरी मॉम सिर्फ एक पत्थर की दीवार है, बचपन से लेके आज तक मैं सर पटकती रही और बाकी की जिंदगी तुम पटकते रहना पर कुछ हासिल नहीं होगा सिद्धार्थ। चोट सिर्फ तुम्हें लगेगी, दीवार को नहीं। वो दीवार है तुम्हारी मॉम, दीवार है। दीवारों की आंखों से आंसू नहीं निकलते रोशनी, और मैंने तुम्हारी माँ की आंखों में आंसू देखे हैं। जानती और क्या देखा है? प्यार, तुम्हारे लिए बेइंतहा प्यार। रोशनी मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी माँ मुझसे नफरत करती, मैं आज तक हंसी में टालता आया हूं, बाकी जिंदगी भी हंसी में टाल सकता, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका था उस चीज को बदलने का, उनकी सोच को बदलने का। जब मैं अपना कमाया हुआ, अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा उनके हाथ में रखता, उनका उधार चुकाता, तो तुम बड़ी बनती। तुम सीना ठोक के अपनी मॉम के सामने कह सकती थी कि तुम्हारी चॉइस सही थी, सिद्धार्थ सही था, लेकिन तुमने उस मौके को जाने दिया। इससे यह पता चलता है रोशनी कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं है। तुम्हें यह लगता है कि मैं अपने कंधों पर अपने दम से अपनी मेहनत से यह घर नहीं चला सकता, ये साबित होता है इससे। सिद्धार्थ अब तुम बात को बेवजह बढ़ा रहे हो। एग्जैक्टली रोशनी, तुम्हें मेरी हर बात बेवजह लगती है, और अगर ऐसा ही है तो शादी क्यों की मुझसे यार? मैंने शादी उस इंसान से की थी जिसने मुझे सहारा दिया, मैंने शादी उस इंसान से की थी जिसने मुझे प्यार करना सिखाया, उस इंसान से की थी जिसने मुझे यकीन दिलाया कि मेरे उसूल सही हैं। लेकिन आज मैं जिस सिद्धार्थ से बात कर रही हूं ना, उससे बात करके तो ऐसा लग रहा है जैसे जैसे उसे खुद को ऐशोराम की आदत हो गई है। तो ऐसा लगता है तुमको रोशनी, तुम कह रही थी कि तुम्हारी मॉम दीवार है, दीवार वो नहीं, दीवार तुम हो। दुर्गा,
रोशनी नहीं लौटेगी माँ, छोड़ गई तू गौरी की लड़की के लिए मेरी माँ को भूल गई हमेशा के लिए। सब ठीक हो, ईश्वर पर भरोसा रख बेटा, आ जाएगी वो वापस आ जाएगी। तो तुमने डीडी को पैसे के बारे में बताया? हाँ, तुमने क्यों उन्हें पैसे दिए? क्यों? तुमसे पूछ के देने चाहिए थे। बोलो ना। राजवी, राजवी, सॉरी बेबी, अगली बार जो भी करूंगा ना तुमसे पूछ के करूंगा। वैसे भी पत्नी होने के नाते तुम्हारा ये हक है कि तुम्हें सब कुछ पता हो, है ना? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। आपने तो मेरे मुंह पे बोला था ना कि मर चुकी है तुम्हारी माँ, तो उस दिन से अकेली हूँ डीडी। तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? जवाब दो, क्योंकि मैं सच में अपनी माँ को मिस कर रही हूँ। अगर वो होती ना तो मुझे रोक लेती। रोकी तो नहीं हूँ रोशनी। अब रोक नहीं रही है, सिर्फ कोशिश कर रही है। पर आई एम सॉरी, रोक नहीं पाएंगी आप मुझे। पर अगर मेरी माँ होती ना तो आज ये नौबती ना थी। रोशनी, तुम कह रही थी कि तुम्हारी मॉम दीवार है। दीवार वो नहीं, दीवार तुम हो। तुम्हें मेरी हर बात बेवजह लगती है। और अगर ऐसा ही है तो शादी क्यों की मुझसे यार? मैंने शादी उस इंसान से की थी जिसने मुझे सहारा दिया। मैंने शादी उस इंसान से की थी जिसने मुझे प्यार करना सिखाया। उस इंसान से की थी जिसने मुझे यकीन दिलाया कि मेरे उसूल सही है। लेकिन आज मैं जिस सिद्धार्थ से बात कर रही हूं ना, उससे बात करके तो ऐसा लग रहा है जैसे जैसे उसे खुद को ऐशोराम की आदत हो गई है। जहर को काटने के लिए ना जहरीला बनना पड़ता। और अगर आपको ये धोखाधड़ी का मामला लग रहा है ना, सो बी इट। आपके धोखों को शायद ऐसे ही काटा जा सकता था। मेरी वजह से, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं घर की बड़ी हूं, बड़ों का फर्ज होता है घर को बांध कर रखना, और मैंने इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया। मैंने कभी नहीं देखा, मेरी बेटी को इतना टूटा हुआ कभी नहीं देखा। दुर्गा को इतना लाचार कभी नहीं देखा। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अगर ये सब मेरी वजह से हुआ है तो बड़े होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि सब कुछ मैं ही ठीक करूं। इस घर की खुशियां अगर मेरी वजह से रूठी है
तो उसे वापस भी मैं ही लाऊंगी। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Zee5 पर। अभी Zee5 ऐप डाउनलोड करें।